कारण भाई तीर्थंकर जे भये, हर्षे इंद्र अपार मेरु पे ले गए। पूजा करी निज धन्य लख्यो बहु चाव सो, हम हूँ सोड़स कारण भावे भाव सो, हम हूँ सोड़स कारण भावे भाव सो, हम हूँ सोड़स कारण भावे भाव सो। इन भावनाओं का नाम है सुलह, और सुलह के साथ में लगा दिया है कारण और साथ में लगा है भावना। सुलह शब्द है संख्या का सूचक और कारण है क्योंकि ये रीजन है, और भावना तो भावनाएं हैं, ये माने ये चिंतन के लेवल पर चलेंगी, ये प्रवृत्ति के लेवल पर नहीं है। ये जितनी भी बातें यहाँ इन 16 कारण भावनाओं के माध्यम से कही जाएगी, वे सभी बातें इंटरनल लेवल पर चलने वाली है, बाहर से नहीं अंदर से। माने ये 16 कारण भावनाएं अंदर से बदलने का काम करेगी, अंदर से बदल देगी हमारे को। जिसका अंतरंग बदलता है उसका बहिरंग अपने आप बदलता है। जो अंतरंग से पवित्र होता है वो बाहर में स्वयमेव पवित्र हो जाता है। जो अंतरंग से उज्जवल होता चला जाता है, जिसके अंतर में गुणस्थान बढ़ते हैं, उसके बाहर में जीवन और आचरण में निर्मलता और पवित्रता भी बढ़ती चली जाती है। ये सहज सुमेल है, ये सहज ही योग्यता है, ऐसा ही स्वरूप है। 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांध लेने में समर्थ, सर्वोत्कृष्ट पुण्य, सर्वोत्कृष्ट पुण्य। 16 कारण भावना के परिणाम इतना उत्कृष्ट पुण्य, इतना उत्कृष्ट जाति का पुण्य परिणाम कहीं और दूसरा नहीं हो सकता है। माने सर्वोत्कृष्ट जाति का पुण्य परिणाम है 16 कारण भावनाओं को भाने का परिणाम। 16 कारणों को भाकर तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधती है, ऐसा कहते हैं हमारे आचार्य देव उमा स्वामी। आज तक जितने जीवों को तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन हुआ है वो 16 कारण भावनाओं को भा करके ही हुआ है। और 16 कारण भावनाएं अकेले भावना के लेवल पर नहीं चलती हैं, इनके अंतर में एक गहराई में, एक बेस में, एक भूमिका में, एक मूल में, जड़ में एक भावना छिपी है जिसका नाम है दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि पहली भावना, दर्शन विशुद्धि भावना मूल है, दर्शन विशुद्धि भावना जड़ है, दर्शन विशुद्धि भावना बीज है। दर्शन विशुद्धि भावना के बिना बाकी की भावनाएं होती ही नहीं है, संभव ही नहीं है। व्यावहारिक भूमिका में, डे टू डे लाइफ में भले ही हम इस प्रकार के कथन करते रहें, बोलते रहें, कहते रहें, समझाते रहें, हाँ भाई विनय है, विनय है भाई, बहुत विनय करता है, बहुत विनय करता है, लेकिन मूल में है दर्शन विशुद्धि। ये क्या है दर्शन विशुद्धि, क्या स्वरूप है दर्शन विशुद्धि का? दर्शन विशुद्धि में जो दर्शन शब्द का प्रयोग किया है वो दर्शन शब्द का प्रयोग है सम्यक दर्शन के लिए। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन माने श्रद्धा। दर्शन शब्द का प्रयोग जिनागम में श्रद्धा के अर्थ में किया जाता है, श्रद्धान की निर्मलता। श्रद्धा पवित्र होनी चाहिए, विश्वास रखो, विश्वास होना चाहिए, विश्वास से ही सारे काम होते हैं। भरोसा रखो, किस पर भरोसा है हमारे को? जिन वचनों पर भरोसा रखो बंधु, जिन वचनों पर भरोसे की चर्चा चल रही है यहाँ, यहाँ जो श्रद्धान की चर्चा कही है, यहाँ जिसे दर्शन विशुद्धि कहकर के पुकारा गया है, ये दर्शन विशुद्धि क्या चीज है? ये दर्शन विशुद्धि मतलब है सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है, क्योंकि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को ही तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधती है। जो जीव सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हैं, उन्हें ही तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधने के चांस हैं। मिथ्या दृष्टि जीव को नहीं होती है। दर्शन मोह की विशुद्धि, उसका नाम दर्शन विशुद्धि। दर्शन मोह को स्नान करा दिया,
अंतर्मुखी परिणामों से, अंतर्मुखी वृत्ति, अंतर्मुखी परिणाम, आत्मदर्शन, स्वरूप दर्शन, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक चैतन्य प्रभु परमात्मा का अवलंबन, और इन परिणामों से जो प्रक्षालन हुआ, किसका किसका प्रक्षालन? बोले दर्शन मोह का, धुल गया वो दर्शन मोह। और जो परिणाम होते हैं उसका नाम दर्शन विशुद्धि। श्रद्धा की बात है, दर्शन विशुद्धि में सारा खेल श्रद्धा का है। पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग श्रद्धा से टिका हुआ है। पूरा का पूरा जैन धर्म श्रद्धा प्रधानी है। जहाँ श्रद्धा नहीं है वहाँ विनयशील चारित्र कुछ नहीं होगा। कि साहब आप श्रद्धा श्रद्धा सम्यक दर्शन की बातें बहुत करते हो, थोड़ी चारित्र की भी कर लिया करो, कि पहले श्रद्धा निर्मल हो जाए फिर चारित्र की भी कर लेंगे। श्रद्धा रूपी भूमि के ऊपर चारित्र टिका हुआ होता है, इसलिए चारित्र की निर्मलता के लिए, चारित्र की वृद्धि के लिए, चारित्र रूपी वृक्ष के लिए पहले सबसे पहले नंबर पर दर्शन विशुद्धि की बात कही गई है। देखिए दर्शन विशुद्धि भावना के संदर्भ में ध्यानत राय जी क्या कहते हैं। जयमाला है, पूजन की पंक्तियां हैं, याद होगी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों ने सुबह की भी होगी पूजन। जयमाला की प्रारंभ की दो पंक्तियां, सोडस कारण गुण करे हरे चतुर गति वास, और पाप पुण्य सब नाश के ज्ञान भान प्रकाश। क्या है भाई साहब 16 कारण भावनाएं? गुण यदि करे, मान लीजिए ये 16 कारण यदि सच में गुण कर जाए, गुण करने का मतलब समझिए आप, अंदर में उतर जाए, उसे कहते हैं गुण कर जाना। कि साहब दवाई तो ली थी, अब देखो गुण कर जाए, इलाज तो किया भाई साहब, लेकिन देखो गुण कर जाए। गुण कर जाए माने असर हो जाए। गुण करने का मतलब क्या होता है? प्रयोग नहीं करते आप लोग ऐसा कभी बोलचाल की भाषा में? हमारे घर में तो होता है। देखो गुण कर जाए, ये बात यदि थोड़ी गुण कर जाए तो ऐसा हो जाए। बात का गुण करने का मतलब ये है लग जाए। 16 कारण गुण करे, क्या गुण करे का मतलब क्या है? गुण करे का मतलब यदि ये 16 कारण भावनाएं असर करने लग जाए आपके जीवन में, उतर जाए, लाइफ बदल जाएगी, जीवन बदल जाएगा, और दुनिया देख करके ये कहेगी कि वाह वाह इन्होंने मनाया है, देखो भादवे का महीना। पर्यायवाची है, भादवे का महीना और 16 कारण पर्व ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो दुनिया आपके जीवन को देख करके कहने लगे वाह यार क्या बनाया इन्होंने, इस बार मनाया है इन्होंने सच में धर्म। देखिए हरे चतुर गति वास, चतुर गति का वास हर लिया जाएगा, और पाप पुण्य सब नाश के, पाप भी और पुण्य भी। क्या लिख रहे हैं? अकेले पाप नाश की बात नहीं है, पाप पुण्य दोनों। क्या शब्द दिए? पाप पुण्य सब नाश के और ज्ञान भानु प्रकाश। ज्ञान रूपी भानु माने सूर्य, उसका प्रकाश होगा। ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश होगा तो पाप और पुण्य रूपी अंधकार स्वयं मिट जाएगा। तो पाप और पुण्य रूपी अंधकार को मिटा देने में समर्थ ये 16 कारण भावनाएं चिंतन के लेवल पर है जी, और तो क्या है। देखिए इसी चिंतन के लेवल पर चलने वाली इन भावनाओं के संदर्भ में पहली भावना दर्शन विशुद्धि। प्रक्षालन का अर्थ नहीं समझते हैं, प्रक्षालन क्या होता है? दर्शन विशुद्धि का प्रक्षालन कर दिया, इसका मतलब दर्शन विशुद्धि धुल गई। प्रक्षालन कर देना मतलब उसको साफ कर देना, प्रक्षालन कर देना मतलब कचरा निकाल देना, प्रक्षालन कर देना मतलब गंदगी उतार देना, इसे कहते हैं प्रक्षालन करना। पाप और पुण्य दोनों का प्रक्षालन हो जाएगा, दर्शन मोह चला जाएगा और दर्शन विशुद्धि प्रकट हो जाएगी। दर्शन मोह जाता है तो दर्शन विशुद्धि प्रकट होती है। सारी दुनिया में श्रद्धा 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 की कीमत है। एक श्रद्धा पाषाण की मूर्ति को भगवान बना देती है। सिर्फ विश्वास ही तो है और क्या है बतलाइए मुझे, उस पत्थर की मूर्ति में आखिर ऐसा क्या है जो आपने उसे भगवान मान लिया है? सिर्फ एक विश्वास। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों के माध्यम से विश्वास गढ़ा जाता है,
मेरे पंच कल्याणकों के ऊपर प्रवचन है, प्लेलिस्ट में मिलेंगे आपको। और इन बातों को खूब खोला है मैंने, क्या होता है पंच कल्याणकों के माध्यम से, उसमें क्या बदल गया बतलाइए मुझे। स्टेज पर कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रतिष्ठाचार्य लोग मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, अपने कक्ष में बैठ करके कर रहे हैं, और ये प्रतिमा में क्या हो गया कि 5 दिन पहले आई एक पाषाण की प्रतिमा जो दुकान से उठ करके आई थी, आज ये पाषाण की प्रतिमा भगवान बन गई। क्या हुआ इसमें, क्या परिवर्तन हुआ? लेकिन 5 दिन पहले यदि आपको कोई कहता कि इस प्रतिमा के हाथ जोड़ो और अर्घ चढ़ाओ, तो आप कहते नहीं नहीं प्रतिष्ठित नहीं है, अभी पूजनीय नहीं है। और 5-6 दिन बाद में क्या हुआ, अब वो पूजनीय हो गई, वो श्रद्धा का विषय बन गई। क्या बदल गया? पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सवों के माध्यम से विश्वास गढ़ा जाता है। क्या विश्वास? पंच कल्याण के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, पंच कल्याण प्रतिष्ठा के नाम से ही प्लेलिस्ट है, प्रतिष्ठा महोत्सव के नाम से। पूछते हैं लोग तो जवाब देना पड़ता है, क्या करें। देखिए, दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई। क्या क्या कह रहे हैं? दर्श विशुद्धि धरे धारण की जाती है, दर्शन विशुद्धि को धारण किया जाता है। हे भव्य प्राणियों, दर्शन विशुद्धि को धारण करो। कि क्या होगा दर्शन विशुद्धि को धारण करने से? ताको आवागमन न होई। आवा और गमन, आवा कहते हैं जन्म को और गमन कहते हैं मरण को। आवागमन जन्म मरण नहीं हुए, ख्याल में आई क्या बात? माने ये कह रहे हैं दर्शन विशुद्धि को धारण करने से आवागमन नहीं होता, आवागमन नहीं होता है, माने जन्म मरण का चक्कर मिट जाता है, ये जीव जन्म मरण से पार हो जाता है। ये काम है दर्शन विशुद्धि का। जिसके जीवन में दर्शन विशुद्धि होगी, उसके जन्म मरण का फेरा मिट जाएगा, माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। अरे जन्म मरण करता हुआ भी भले ही दिखाई देवे, लेकिन सदा सदा के लिए उसका जन्म मरण मिट गया है। विश्वास तो रखो आप। यदि ये विश्वास यहाँ पर होगा ना हमारे जीवन में, सबसे पहले नंबर पर दर्शन विशुद्धि, तो फिर विनय काम आएगी, फिर शील होगा, फिर ज्ञान का अभ्यास होगा, फिर वैराग्य होगा, फिर तप भी होगा, त्याग भी होगा, साधु समाधि भी होगी, वैयावृत्ति भी होगी, सारी भावनाएं। इसलिए कहा दर्शन विशुद्धि भावना के बिना सारी भावनाएं व्यर्थ है, सारी भावनाएं झूठी है, सारी भावनाएं बेकार है। इसलिए, और विशुद्धि का क्या अर्थ है? दर्शन माने तो हो गया सम्यक दर्शन, विशुद्धि क्या चीज है? विशुद्धि माने है निर्दोष सम्यक दर्शन, चल मल अगाढ़ दोष रहित सम्यक दर्शन, अष्ट अंगों के पालन सहित सम्यक दर्शन, निशंकित आदि 8 अंग और शंकादि 8 दोषों से रहित निर्दोष सम्यक दर्शन, वसुमद टारि निवारि त्रिषट्ता, षटानाय तन त्यागो और शंकादिक वसुदोष बिना संवेगादिक चित पागो, अष्ट अंग अरुदोष 25। ये सब सम्यक दर्शन, माने सम्यक दर्शन की जितनी चर्चा है, जो छेड़ाला की तीसरी डाल में अभी अपन ने 3-4 महीने पहले की थी, वो पूरी की पूरी चर्चा यहाँ लागू हो जाएगी दर्शन विशुद्धि भावना के अंतर्गत। सुनो, दर्शन विशुद्धि के चमत्कार ऐसे होते हैं कि आगे की यदि 15 भावनाओं को नहीं भाया गया, मान लीजिए आपके द्वारा, तो तीर्थंकर कर्म प्रकृति नहीं बंधेगी तो कोई बात नहीं। क्या तीर्थंकर कर्म प्रकृति यदि नहीं बंधी तो कोई बात नहीं, ये दर्शन विशुद्धि भावना अकेली इतनी समर्थ है कि चक्रवर्ती पद को बंधन करा देने वाली होती है। इंद्र पद मिल जाता है, नारायण पद मिल जाता है, प्रति नारायण पद मिल जाता है, बलदेव बलभद्रो जैसे 63 शलाका पुरुषों के पद इस दर्शन विशुद्धि भावना की देन है भाई साहब। और ये श्रद्धा होती है आत्मा की श्रद्धा, सारी दुनिया पर श्रद्धा है हमारे को, लेकिन अपने आप पर श्रद्धा नहीं है। सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि में इतना सा ही फर्क समझना चाहिए, सम्यक दर्शन की निर्मलता का नाम दर्शन विशुद्धि है।
भावनात्मक लेवल पर निर्मल सम्यक दर्शन प्रकट हो, इसका नाम दर्शन विशुद्धि है। ये भावनात्मक लेवल पर है। मैं ऐसा कह सकता हूँ, सम्यक दर्शन तो मूल में धर्म है और दर्शन विशुद्धि भावना ये पुण्य है, क्योंकि ये चिंतन के लेवल पर है, ये विकल्पों के लेवल पर है। तो चिंतन और विकल्पों के लेवल पर है, इसलिए इसको पुण्य की श्रेणी में रखा जाएगा। तो एक किंचित फर्क सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि के अंदर किया जा सकता है। लेकिन देखो, आप नमक के खारेपन पर भरोसा है आपको? मिश्री है, मुंह में नहीं रखी है, और आपसे पूछा कैसी है और आपने बतला दिया मीठी है, पंडित जी आपको भरोसा है? दूध में शक्कर मिलाई है आपने, दूध मीठा हो गया है, आपको भरोसा है? और आत्मा ज्ञान स्वभावी है, इस बात पर भरोसा है या नहीं? मैं भगवान बन सकता हूं, इस भरोसे का नाम दर्शन विशुद्धि है। रत्नत्रय मेरे जीवन में प्रकट हो सकता है, वर्तमान जीवन में प्रकट हो सकता है। काल बाधक नहीं होता, पंचम काल बाधक नहीं होता, पंचम काल रोकने में समर्थ नहीं होता। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्रकटता, इनमें काल परेशानी करने में समर्थ नहीं है। इस विश्वास का नाम दर्शन विशुद्धि है। क्या है दर्शन विशुद्धि? जहां जहां शास्त्रों में इस दर्शन विशुद्धि भावना का वर्णन किया गया है, वहां 8 अंगों की चर्चा की है। निशंकितपना, भरोसा, जिन वचनों पर भरोसा, जिन इंद्रदेव पर भरोसा, जिन वाणी पर भरोसा, गुरुओं के आचरण और जीवन पर भरोसा, वीतरागी संतों की वाणी पर भरोसा, ये भरोसा है। हमें भरोसा होता है न्यूज चैनल्स पर, हमें भरोसा होता है न्यूज पेपर्स पर, हमें भरोसा होता है व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इनके ऊपर चलने वाली बातों पर। हमें भरोसा हो रहा है लोक की प्रवृत्तियों के ऊपर। लेकिन भाई, भरोसा करो अपने आप के ऊपर। क्या समझ में आ रही है बात? इस पंचम काल में रत्नत्रय हो सकता है, रत्नत्रय की प्रकटता हो सकती है, रत्नत्रय की पूर्णता नहीं, क्योंकि रत्नत्रय की पूर्णता पंचम काल में नहीं होती। प्रकटता तो हो सकती है, उत्पत्ति तो हो सकती है, रत्नत्रय प्रकट किया जा सकता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की खान होते हैं हमारे महामुनिराज, उस मुनि अवस्था की प्राप्ति की जा सकती है। आज तो दर्शन विशुद्धि का दिन है, कल करेंगे चर्चा कि दर्शन विशुद्धि के हो जाने पर जो भाव भूमि जैसी बनती है, तो परिणाम कितने विनम्र हो जाते हैं, परिणाम कितने निर्मल हो जाते हैं। भाव भूमि तैयार हो गई है। अंदर से बहिरंग की व्याप्ति के लिए दर्शन विशुद्धि को पहला नंबर दिया गया। आवागमन मिट गया, यही पहली भावना में आवागमन मिट गया है। जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल गया है तुम्हारे को। अब जन्म मरण होंगे, लेकिन कुछ दिनों तक, कुछ वर्षों तक, कुछ काल तक, कुछ भवों तक, बस इससे ज्यादा नहीं। छूट गया है, अब तो पार हो गए हैं। सम्यक दर्शन जहां हो गया है, सम्यक्त्व की भावना क्या? और सुनो, दर्शन विशुद्धि भावना की थोड़ी और गहराई में जाकर के बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं, सच्चे अर्थों में दर्शन विशुद्धि होती है अपने त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व के अवलंबन की भावना। सम्यक दर्शन प्रकट करने की भी भावना नहीं है क्या? ये जन्म मरण का अभाव करने वाली भावना भा रहे हैं ना, भावना भा रहे हैं, इसलिए पुण्य प्रकृति है। और वो प्रकट हो गई तो जन्म मरण का अभाव हो जाएगा। दो चीजें यहां लगाना, एक भावना के लेवल पर लगाना और एक अंतरंग निर्मलता के लेवल पर लगाना। जब रत्नत्रय प्रकट हो गया तो जन्म मरण के अभाव होने की बात हो गई, और रत्नत्रय प्रकट करने की भावना जहां दिखाई दे रही है, समझ लीजिए आप, ये दर्शन विशुद्धि नाम की भावना है। विचारात्मक लेवल पर लगाइए, चिंतन के लेवल पर लगाइए, अपनी श्रद्धा को बदलने का प्रयास कीजिए। फर्स्ट स्टेप है, श्रद्धा बदलेगी तो ज्ञान बदलेगा, श्रद्धा और ज्ञान बदलेगा तो चारित्र बदलेगा, और श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र तीनों यदि बदले हुए नजर आएंगे तो फिर मोक्ष मार्ग प्रकट होकर के अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ये संक्षिप्त विधि है। तो बात हमने आज थोड़ी बहुत श्रद्धा के संदर्भ में की है, बातें बहुत की जा सकती है। एक प्रवचन और है मेरा श्रद्धान के महत्व पर, सिर्फ श्रद्धा के महत्व की चर्चा की है मैंने,
मोक्ष मार्ग में श्रद्धान का महत्व विशिष्ट प्रवचन वाले में पौन घंटे चर्चा होगी। अभी का समय संपन्न हुआ हमारा, कल चर्चा करेंगे विनय के संदर्भ में, विनय क्या चीज है और विनय कितनी बड़ी चीज है, विद्या ददाति विनयम, इसकी चर्चा बहुत मार्मिक रूप में। और यहाँ जो शिव वनिता की सखी ये जो शब्द दिए हैं, इन शब्दों की कितनी गहराई है, इसकी चर्चा कल यथा समय करेंगे। अभी की बात को इसी भावना से विराम देते हैं कि हमारा ये 16 कारण पर्व दर्शन विशुद्धि प्रकट करके, माने सम्यक दर्शन प्रकट करके इस वर्ष संपन्न हो, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नहुं सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नौ बार नमो कर मंत्र को, नमो अरिहंत, नमो सिद्धांत।